अपने ही वार्ता प्रचलन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब इससे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन है, हम अर्दम के रहा हाँ, लू खड़े रहा हाँ। तो पेट की एक्सरसाइज खातर मैं सबसे बड़ा रामबाण बताऊं तुमने, एक यो चीज है वायरस सा पेट खातर भाई साहब कति सूझ देगा, ठीक है। और एक इसी चीज है भाई पेट खातर जो हम नॉर्मल किसान के फार्मर के बाल का कस्सी। तो जवाब भाई सारे भैया ने मालिक चढ़ती कलाम रख है। तो जो आज की वीडियो है वाया वीडियो है कि जो जितनी भी जो मेहनत है ना सारी ग्राउंड से रिलेटेड मेहनत, जो भी एक्सरसाइज है, जो भी मेहनत है, जो भी वर्कआउट है, मतलब तरह तरह की एक्सरसाइज सब कुछ ग्राउंड पर, जो मतलब जो आप ने किसी चीज की जरूरत नहीं अपने आप पे की जरूरत है, आज उन सारे वर्कआउट के बारे में बात करांगे और सारे भैया ने करके दिखावा। ग्राउंड पर जानती है सबसे पहला भाई बाप भाई दयात है कि सबसे पहला रनिंग चालू हो जाएगी बॉडी खातर, सबसे पहली चीज है अपनी रनिंग करो भाई। शुरुआत करिए भाई अपन ने रनिंग ते, कोई भाई रनिंग ते भी शुरुआत कर सके है या फिर अपनी हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग ते भी शुरुआत कर सके है। जो ये चीज़ है मेरे भाई वर्कआउट की बेसिक चीज़ों है, जो कर स्कूल में जानी है, हर बालक ने नुबेरा हुआ स्कूल में जाना तो कापी पेन ले कर जाना है, तो ग्राउंड पर जिस बालक जो भी भाई जावा है उसने सब नुबेरा है कि भाई हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग की भी जरूरत हो है, ये सब बेसिक चीज़ है, ये सारी चीज़ तुमने बेरा होनी चाहिए अपनी हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग मसल वसल खींच ले, बढ़िया बढ़िया स्ट्रेचिंग करो अपनी सारी बॉडी रिलैक्स हो जा। जब कोई सब आई नहीं बेरा हो तो स्ट्रेचिंग बहुत डाल की हो है, तो सारी है बारे में भी इस वीडियो में तो बता नहीं सकते हैं पर धीरे धीरे बता दें। स्ट्रेचिंग रनिंग करके ग्राउंड पर जानी हर भाई ने बेरा हो है, पीटी पैटी मतलब पीटी मेरे भाई इतनी हो है जिनकी संख्या हम गणा नहीं सकते, पर जो सा भाई ने जो सी पीटी करने में मजा आवा पीटी कर अपना बढ़िया आई चलू चल पड़े सारी बॉडी ने खोल ले वे। अपने वीकली वर्कआउट में इन चीजा का थोड़ा बहुत सहयोग कर ले वे, कितनी है पीटी कर ले मेरे भाई। इतनी पीटी एक्सरसाइज बता दूंगा मेरे भाई गणी भी नहीं जाएंगी। तो एक चीज़ है अपना पीटी हल्की फुल्की चीज़ हो ये जिन तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर बना रहा है हल्का फुल्का मांसपेशियां दर्द है अपने आप पर दूर हो जाए इसी चीज़ है ये। एक ग्राउंड पर एक्सरसाइज हो रहा जिसका नाम हो रहा है डुडू चाल, जो डुडू चाल है वह कई तरीके तो हो जा रहा, देखे एक तो छोटे छोटे स्टेप आते चालन दे, एक फिर बड़े स्टेप आते एक ही होगी एक या होगी फिर नू नू चालन दे, ये सब चीज हमारी इन चीजा ने मजबूत करने का काम आऊंगी बाप भाई बहत। चल बच्चे सेकंड चल नू चलाओ आपस में एक दूसरा ने, एक बार वो एक बार वो एक बार वो, इस तो अपने हाथा इस स्ट्रेंथ में बहुत गणा फर्क पड़ेगा। इवन जो कर जस सांड आठ का चल भाई डिप्स मार फिर नू डिप्स मरवा दे ये नू चल रहा नू खेच खेच के मार रहा मेरे भाई। फिर जो अपना नेक्स्ट स्टेप आ गया वो क्या आ गया भाई पैडी हो है, जो पैडी बहुत गणी डालते चढ़ सके मानस एक टांग पे दो टांगा पे टुकर भी चढ़ सके भाई, बहुत गणे ऑप्शन है मतलब बतानी है पैडी कम पड़ सके पर बतानी है मानस कम नहीं पड़ सकते इतनी डालते पैडी लाग सके हैं। पर जो सबसे पहला पैडी है वनू नॉर्मल देवा एक होगी फेरा पर जो पैडी या है नू देव अपने फिर नीचे फिर तीसरी पैडी फिर नीचे री फिर अगली भाई भी एक्सरसाइज देख लो भाई, जो भाई गणा वेट वेट लॉस करना चाहते हो उन भैया खातर यह एक बहुत बढ़िया है, तो यह मार लिया रो ये नॉर्मल चीज़ है इन कोई भी कर सके है। जय मेरे भाई जिम में जागा तरपिए लागेंगे, जय ग्राउंड पर जागा तो मेरे भाई भीतर लेंबरी जीदारी लग गई, फैसला तेरे हाथ में है जीदारी ला बेहतर पाओ आ। जब तेरे गला जब कोई भी ना हो जब तेने डिप्स डेप्स मारनी हो तो देख एक तो डिप्स हो गया नॉर्मल या छप मार ले एक डिप्स हो गया ले थोड़ा ऊपर हो गया
नू डिप्स मारती हां देख नू भी मार ले पेट की भी गल्ला हो जा देख नू देख पेट की भी गल्ला हो जा ले ये बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज है ये करते रहे मेरे भाई 40-50 मिनट की चतरे तरह ही कर जा बात अपने हाथ में है और कई भाई है दौर मेरे की जो गरीब हूँ कई भाई साहूकार ना हो ग्राउंड पर जाने की गाड़ी घोड़ा ना हो एक अपनी हल्की साइकिल ले ले या साइकिल भी के है अपने काम में आवा है मन मानव देती जागा इतना तो कुछ ना कुछ फायदा ही करेगी ठीक है। सबसे बड़ी चीज तो मेरे भाई पोल्यूशन करे ना शरीर ने स्वस्थ रखने में भी इसका योगदान बहुत है। ये अपने छोटे भाई हैं तुम देख लो अपने ही वाथा प्रचालन की प्रैक्टिस कर रहे हैं मतलब इस तक ये है ब्लड सर्कुलेशन है हम अर्दम के रहा हाँ नू खड़े रहा हाँ तो बॉडी तो हमने एक बार भी अपने दिन में ऐसा समय जरूर देना चाहिए अब हमारा जो भाव है ब्लड सर्कुलेशन का नू नहीं सर की ताणो चाहे शीर्षासन कर ले चाहे ये कर ले चीज़ें एक कही है बाबा ही दया थे ईब जो हमने था तकरीबन जो फिजिकली वर्कआउट था वो ज़्यादातर वर्कआउट कर दिया है स्प्रिंट सप्रिंट ज़्यादा मेरे भाई ये वर्कआउट तो इतने हैं इन्हें बताने भी ये कम पड़ जाएंगे ठीक है जो मतलब ज़्यादातर जिन ज़्यादा बेनिफिट होगा वे मैं बताने लग रहा हूँ भैया ने तो ईब जो है अपनी साधारण दंड ठीक है साधारण दंड कोई भी भाई मार सकता है साधारण दंड मान के भी घने तरीके हों हाँ ये सबसे आसान तरीका है बस यो सबसे आसान तरीका जब कोई सा भाई नू मारा है दंड मार लेना जब दंड मार लाग जाना है अपने हाथ टेक लेना है तो अपने हाथा पहना है नू सोच लिया रो जब दंड मारनी हो ना जा आज मन दंड मारनी है तो नू मान ले 20 मिनट की दंड मारनी है तो 20 मिनट थी ना अपने इन हाथा ने ना हलना मत दो ये तो कितने ही बर जाओ उन्हें भरण दो यदि इतने ही बर जाओ थोड़ा हाट एक यार रेस्ट कर ले नू फिर ले यो चीज करे दंड मारती आना या चीज कर क्योंकि मेरे भाई डंडी सी चीज है दंड मारती आना कदे तुमने देखा दम पाट जाएगा दंड मारती आना कदे दम नहीं पाटा रहा दंड मारती आना अपनी बॉडी के कब्जे खुब्जे ये चीज भर सका है क्योंकि दंड मारे तो दम नहीं पाटेगा दंड जो है वो अपने आप में इंटरनल स्ट्रोंग बनाओ अपने आप में ठीक है अपने क्या करें भीतर तो बर्मा बनावा है ठीक है अंदर तो स्ट्रोंग बनाओगा तुमने ग्राउंड की जो मेहनत है वो तुमने अंदर तो स्ट्रोंग बनाओगी चाहे तुम बाहर तक वैसे थोड़ा दिखावटी शरीर में से कम रह जाओ पर भीतर तो तुम बहुत स्ट्रोंग बनोगे ग्राउंड की मेहनत का सबसे बड़ा बेनिफिट फायदा यो ही वो है। और मेरे भाई गाड़ी चाहे कितनी सुथरी हो जब उसका इंजन काम का ना है तो वह गाड़ी फिर किसे काम की ना है ठीक है चतरी बॉडी चाहे कितनी है सुथरी हो चाहे सोनी हो किम हो जाए भीतर ले में दम ना हर भीतर ले में इंटरनल स्ट्रेंथ ना है तो वो सब जीरो है बाबा ही दया ठीक है। इब हम बात करेंगे क्या पे पेट के ऊपर ठीक है पेट की एक्सरसाइज भी तुम देखते होगे इतनी है अब जिस नाम बताना भी चाहवांगे तो मेरे भाई मन माने एक घंटा थी पेट पेट की एक्सरसाइज खत्म ना हो तो पेट की एक्सरसाइज आ खातर ने सब तो बड़ा रामबाण बताऊं तुमने चलो उस रामबाण दौर पहले लेख चल लो यो भाई पेट खातर ने सब तो बड़ा रामबाण है यो रस्सा नहीं है इस रस्से तो बड़ा ना पेट खातर कोई भी रामबाण नहीं कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी तुमने जो भी है जितने भी तुमने पेट में तेरा एब्स नहीं है कुदरती हो यार है ठीक है एब्स कदे बनाए तो बनाए नहीं करे एब्स जब तू बनाना चाहो ना तो बने नहीं गे तेरा कुदरती जो मालक ने दिए है ना तो तेरे होंगे ना तो तेरा फैट लॉस होगा ना तो दिखे होंगे एब्स नू ना है अगर तेरा एब्स पेट में चार है तू छह बना देगा छह ना बनाए तुमने बॉडी स्ट्रक्चर देखा होगा किसी का चार है किसी का दो है किसी का आठ है किसी का छह भी है तो वो सरपकान के हो है नेचुरल कुदरती देन हो वह कुदरती बंदे दौर वह चीज हो है एक यो चीज है भाई रस्सा पेट खातर भाई साहब कति सूद देगा ठीक है और एक इसी चीज है भाई पेट खातर जो हम नॉर्मल किसान के फार्मर के बाल का कस्सी भाई साहब कति खा जाएगी पेट ने ठीक है इतनी बढ़िया चीज है नॉर्मली मतलब और जो एक्सरसाइज करोगे ना उन तक ना खाली पेट पेट पर असर होगा मतलब रस्सा और कस्सी एक इसी चीज है पेट ने तो खाओ खाओगी गला बॉडी की और सारी चीज भी बनेगी देखे अपर बॉडी नहीं है इसके सारी एक एक चीज बन जाएगी कस्सी तय अरे सरसा तय ठीक है एक छाती ने छोड़ के छाती खातर तुम सपाटे डंडुंड बताई दी हैं। एक बात कराए मेरे भाई अपनी फेवरेट एक्सरसाइज बाप भाई दया तय क्या की सपाटे ही सपाटे ही मेरे भाई तुमने ना मैं कम तक मैंने जब तुम सारे भाई इच्छुक हो ना तो बता दियो वीडियो में कमेंट कर दियो कम तक कम भी तुमने ना 20 डाल के सपाटे बता दूंगा मैं ठीक है जिस भाई दो इतना भी समय को ना मैं ये सब चीज एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज रनिंग पनिंग पीटी सीटी करने का भी समय को ना
तू उस भाई खातर राम बाण है मेरे भाई खड़ा खड़ा मेहनत करने का सपाटे ठीक है कत्ती अपने घर में जा मन माना कोई भाई नू चाहता हूं ना कि मैं ग्राउंड पर भी ना जाऊं अपने घर में भी ग्राउंड हो है वोड़े भी या चीज इसी है मानस ने फिट कर सका है मतलब भाई देख एक मर्यादा हो है शरीर की ठीक है उस मर्यादा में रखन खातर शरीर बहुत बढ़िया चीज है ये जैतना मर्यादा क्रॉस करनी है जैतना मेरे भाई ओलंपिक तो और की तो बड़े लेवल का खिलाड़ी बनना है तैतना मेरे भाई उस चीज़ खातर तो है बहुत घना हार्ड वर्क करना पड़ेगा ये इसी चीज़ है मतलब कि जी नाम मलके फड़की करके अपने आप तो 40-50 मिनट रोज दे गए अपने शरीर ने स्वस्थ रख सका हाँ बढ़िया मेंटेन रख सका हाँ बढ़िया दिखे मानस चेहरे पर लाली दिखे ईसा रख सका हाँ तो आगे सपाटे ये रे भाई सपाटे ले ये नू नॉर्मल मार ले सोच के देख कोई भाई है रोज के 200 मारे एक महीना 6000 हो गए एक साल के 72000 हो गए 72000 एक साल में हो गए जब को भाई मन मानने इतने जीव इतने प्रण ले ले मन इतने थी करना 10 साल में 7,20,000 हो गए थ्री बॉडी ने पूरी ने फिट रख देंगे बाप भाई देहत है ठीक है ये सपाटे भी बहुत घने डाल के हैं सपाटे तो इसी एक्सरसाइज है मेरे भाई हेड्डी तले चोटी थी शरीर का सब किम बना देगी तो सारे भाई या तो ग्राउंड की जितनी भी मेहनत थी टोटली जो एक बढ़िया वर्क हो है वो मैंने भैया तो बता दिया है तो सारे भाई बाप भाई देता है चढ़ती कलम रहे बोल शंकर भगवान की जय